तो वो भी गिर गया। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन और है, ये करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहता है ना कि शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तुम्हें ना एक अकाउंटिंग इक्वेशन दर्शाना है निम्नलिखित लेन देनों के लिए। तो यहाँ पे कुछ लेन देन है, पढ़ लेते हैं पहले। डी महापात्र, तो डी महापात्र ये व्यक्ति का नाम है। कमेंस माने शुरुआत करना, इन्होंने शुरुआत किया है बिजनेस विद कैश, इनके पास कैश था 50,000। 1 लाख रुपए चेक से शुरू किया है, यानी बैंक अकाउंट खोलेंगे 1 लाख से। गुड्स यानी स्टॉक खोलेंगे 60,000 से। मशीनरी खोलेंगे 1 लाख से और फर्नीचर 50,000 से। सारा खोल लेंगे, सबका टोटल कर लेंगे और टोटल जितना है ना ये इसको कैपिटल में लिख देंगे, सही है। तो दूसरा बोला है 1/3 ऑफ द अबोव गुड, अबोव माने ऊपर, गुड्स यानी ऊपर जो गुड्स थे यानी 60,000 के, उसमें से कहता है जो 1/3 है यानी 60,000 का 1/3 यानी 60,000 में अगर 1/3 गुना करोगे तो काटने पे आएगा 20,000। तो 20,000 का गुड्स सोल्ड माने बेच दिया, ये प्रॉफिट ऑफ 10% यानी 10% के लाभ में ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे 10% के लाभ में तुमने बेच दिया है। तो यानी वो 20,000 का अगर था तो उसको 10% लाभ में बेचा है, तो 20,000 का 10% 2,000 लाभ में बेचा है, तो यानी 2,000 जोड़ देंगे तो कितने बेचा है 22,000। तो 22,000 बेचा है, तो आगे लिखा है एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव इन कैश। और 22,000 का जब बेचा है ना तो तुम्हें आधी पेमेंट कैश मिली है, आधी पेमेंट तो तुम्हें 11,000 रुपये कैश मिले हैं। तो और बाकी के बारे में नहीं बताया है। तो अगर हम किसी को बेचते हैं तो वो हमारा डेटर बनता है, क्या बनता है, तो फिर 11,000 रुपये बाकी कहाँ दिखा देंगे, डेटर का कॉलम बनाकर, सही है। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास हो गया है मशीनरी का, और मशीनरी पे प्रोवाइड करना है 10% डेप्रिसिएशन। तो मतलब मशीनरी जितने की होगी उस पर 10% घटा देना है। तो देखो ये मशीनरी 1 लाख की है ना, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। 10,000 रुपये ना मशीनरी में से घटा देना और कैपिटल में से भी घटा देना, क्योंकि मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगता है तो फर्म की पूंजी कैपिटल कम हो जाती है। तो इसीलिए मशीनरी में से 1 लाख घटा देना और कैपिटल में से भी 1 लाख घटा देना, सही है। अगला बोला है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अच्छा ऊपर का एक चीज़ छूट गया, जैसे मान लो अभी तुम्हें कह रहा था कि 20,000 का सामान 10% प्रॉफिट में बेचा है, तो 2,000 का प्रॉफिट है ना, तो इसे कहाँ ऐड करोगे, कैपिटल। हाँ, और गुड्स में से कितना कम कर दोगे 20,000, और कैश में कितना लिख दोगे 11,000 और डेटर में 11,000, सही है। अगला है कि कैश विड्रो फॉर पर्सनल यूज, तुमने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाले 10,000, तो ये ड्रॉइंग होता है, तो तुम्हारा कैश भी कम हो जाएगा, तो एक कैपिटल में कैपिटल भी कम कर देना और कैश भी कम कर देना, सही है। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग अभी 10,000 किया था, तो 10,000 रुपये पे 5% तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, तो 5% होता है 5/100, काटने पे आ जाएगा ये 100 × 500 रुपये। तो 500 रुपये जो तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इसके लिए ये ट्रीटमेंट होती है कि कैपिटल में ही एक बार 500 रुपये जोड़ के दिखा देंगे और उसी में से 500 घटा के दिखा देंगे, सही है। क्योंकि बिजनेस के लिए जहाँ ये इनकम है तो तुरंत बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस भी है, तो इसीलिए एक बार इसको जोड़ देंगे घटा देंगे। अगला है कि गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000। हमने बेच दिया गुप्ता को गुड्स 10,000 के एंड रिसीव एन बिल रिसीवेबल, और हमने उससे प्राप्त कर लिया एक बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट, यानी 10,000 रुपये का हमने बिल रिसीवेबल ले लिया उससे फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए उसी सेम राशि का हमने उससे प्राप्त कर लिया बिल रिसीवेबल, यानी हमने इसको गुड्स बेचा 10,000 का, तो स्टॉक में से कितना कम कर देना, और उससे हमने पैसे ना लेकर बिल रिसीवेबल ले लिया, तो एक नया कॉलम बन जाएगा असेट साइड में बिल रिसीवेबल, और उसमें जोड़ देना 10,000, ठीक है। अगला है यहाँ पे रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होता है, ये जो 3 महीना पूरा हो जाएगा
तो जो तारीख आएगी उसे मैच्योरिटी बोलते हैं। तो कहता है मैच्योरिटी वाले तारीख को हमने बिल रिसीवेबल जो था गुप्ता का वो 10,000 रुपये हमने रिसीव कर लिया, तो अब क्या करना कि कैश में 10,000 रुपये ऐड कर लेना और बिल रिसीवेबल जो 10,000 के खोला था ना अभी, तो 10,000 रुपये माइनस कर देना है ना। तो यहाँ भी जोड़ा था 10,000 और यहाँ घटा देना, हो गया। तो इतना में अकाउंटिंग क्वेश्चन करना है, सही है। तो अब बना के दिखाते हैं, बना लोगे ना तुम? चलो ठीक है, एक बार बना के भी दिखा देते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर। दूसरे में फिर क्या लिखते हैं? ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस के बाद क्या लिखते हैं? असेट्स। असेट्स यहाँ पे हमने पढ़ के देखा पर्सन की बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इसीलिए ना इसके लिए बड़ा थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ दो, है ना। और यहाँ पे छोटा सा लायबिलिटी और प्लस कैपिटल, ठीक है। बाकी सबको बॉक्स में बनाते हैं, तो पेपर में अपना स्केल लेके जाना है। बस, और मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ना है क्योंकि कैश बैंक ना यहीं लिखूँगा। चलो कोई नहीं, इसको एक लाइन और खींच लेते हैं। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला। तो पहला क्या था? तो ये लिखा है स्टार्टेड, कहाँ गया ये रहा। कहता है कि कमर्स बिजनेस, तो महापात्रा ने शुरू किया था बिजनेस कैश 50,000। तो बताओ यहाँ पे हम हेडिंग क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश चेक। ये पूरा लिख देना विद कैश बैंक है, मैं लिखूँगा ना तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो सारा यहाँ लिख देना है। तो अब हेडिंग बनाते चलना है, कैश 50,000 है ना, प्लस बैंक 1,00,000, प्लस गुड्स माने स्टॉक है ना, गुड्स यानी स्टॉक कितना 60,000, मशीनरी वो कितना है 1,00,000, मशीनरी के बाद फर्नीचर कितना है 50,000। और सबको जोड़ो तो 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000 और 50,00,000, 50,00,000, 50,000, 3,00,000 हो गया है ना। और ये 3,60,000, तो कैपिटल के नीचे लिख दो 3,60,000, सही है। अच्छा अब यहाँ पे लिखो दूसरा हेडिंग। दूसरा क्या लिखो? जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ द वो गुड, ऊपर जो ये स्टॉक था 1/3, उसमें से 1/3 हमने बेच दिया प्रॉफिट 10% में ऑन कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट था इसका बीजा उसको 10% फायदे में बेच दिया है, और हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीविंग कैश, और आधे पेमेंट हमें कैश मिले हैं। तो पहले तो ऊपर का गुड्स कितना है 60,000, 60,000 का 1/3 होता है 20,000 है ना, 20,000 को 10% प्रॉफिट में बेचा है, तो इसी को कॉस्ट बोलते हैं। इसी पे 10% निकालोगे तो 2,000 प्रॉफिट में बेचा है, तो 22,000 बेचा है, तो आधे पेमेंट बोला है कैश आए हैं, तो आधे पेमेंट नहीं आए, यानी तो आधे पेमेंट मैंने बताया था कहाँ डाल देंगे, डेटर में। तो यहाँ पर अब हम ये करने वाले हैं, तो यहाँ तो पहले लिख देंगे कि गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑन 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट, ये पूरा लिख देना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मुझे बोला है कि 20,000 का स्टॉक बेच दिया है, तो स्टॉक में से 20,000 पे क्या कर दूँगा माइनस, और बोला था कि उसको बेचने पे 10% प्रॉफिट हुआ है, 2,000 का फ़ायदा हुआ होगा, तो 2,000 रुपये हम कैपिटल में क्या कर देंगे, कैपिटल के नीचे 2,000 रुपये ऐड कर देंगे, सही है। और उसके बाद बोला था कि आधे पेमेंट हमें रिसीव हुए हैं, तो 20 का था और 2,000 फायदे में बेचा, तो 22 का बेचा, तो 22 का आधा 11,000 रुपये कैश में जोड़ दो, सही है। और बाकी पैसे उसने बताए नहीं, तो हम एक नया कॉलम बनाएंगे डेटर, सही है। इसको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है।
यहाँ मैं एक हाथ बना देता हूँ याद रखने, तो डेटर पे बना देंगे, कितने बाकी रह गए लेने 11,000, सही है, हो गया ना। तो ये साइड अगर देखोगे तो 11, 11, 22, 22 में 20 गया 2,000, ये साइड 2,000 बढ़ रहा है, तो ये साइड भी 2,000 बढ़ रहा है, सही है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इन्हें, हाँ इन्हें ऐड करके यहाँ लिख देते हैं नया हेडिंग, है ना, क्या लिख देना है हेडिंग, न्यू लोकेशन। तो 50, 11, 61,000, ये वाला 1,00,000, ये वाला 40,000 बचा, और ये 1,00,000, ये 50,000, ये हो गया 11,000, और ये हो गया 360,000 में 2,000 जोड़ेंगे 362,000, सही है। अब देखते हैं तीसरा ट्रांजेक्शन्स क्या है। तीसरे ट्रांजेक्शन में लिखा है कि डेप्रिसिएटेड ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%, तो कहता है मशीनरी हमारे पास जो जो भी उपलब्ध है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। तो भाई डेप्रिसिएशन लगा दो, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है, मशीन 1,00,000 का था, 1,00,000 का 10% आता है ना निकालना, 10,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 रुपये कम हो गया, हमारी मशीन कम तो हमारी कैपिटल माने पूंजी भी कम, 10,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन्हें क्या कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, तो ये आज ये वाला जमा घटा कर दो, तो ये हमारा सेम उतार दो, 61,000, 1,00,000 बैंक में पड़े हैं, 40,000 का स्टॉक पड़ा है, 90,000 रुपये का मशीन बचाव, और 50,000 रुपये फर्नीचर अभी भी है, और 11,000 रुपये, और ये वाला ऐसे ही छोड़ दो, जमा घटा कर दो, तो हो जाएगा 352,000। अब देखते हैं ये न्यू क्वेश्चन आ गया, अब पढ़ेंगे फोर्थ हेडिंग। फोर्थ में कहता है कि कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 10,000, तुमने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया, तो कैश निकाल लिया तो कैश में से 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, कम, और फर्म की पूंजी यानी कैपिटल भी 10,000 रुपये क्या हो जाएगी, कम, ड्राइंग करने पे कैश भी कम और पूंजी, हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, हाँ विदो कैश फॉर पर्सनल यूज ऐसे लिख लेना है। तो अब यह आ जाएगा न्यू इक्वेशन, तो ये बचा 51,000 कैश, 1,00,000 रुपए बैंक में पड़े हैं, 40,000 का हमारे पास स्टॉक पड़ा है, 90,000 का हमारे पास मशीन बचा है, फर्नीचर 50,000 है बुक वैल्यू, और ये 11,000, और ये बन गया हमारा ये वाला घटाकर 342,000, सही है। उसके बाद हम पांचवा ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। पांचवे में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है एट द रेट 5%, तो ड्राइंग अभी 10,000 की थी ना, तो 10,000 पे जो हम ड्राइंग करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 5%। तो भैया 5% 500 आएगा, 10,000 का 500 आएगा, तो 500 को एक बार इसी कैपिटल में ऐड, और एक बार इसी कैपिटल से माइनस कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, वो ऐसे ही करते हैं, सही है, इसी में कैपिटल में बढ़ा के इसी में घटा देते हैं। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा न्यू इक्वेशन छठा, पहले इसको वही है, बार बार लिख के ना थोड़ा समय वेस्ट होता है, सही है, लेकिन ये लिखने से ही धीरे धीरे आएगा। अब छठी में लिखा था छठे नंबर पे कि गुड्स सोल्ड टू गुप्ता, हमने गुप्ता को 10,000 रुपये का गुड्स बेच दिया तो स्टॉक कम हो जाएगा 10,000 से, और रिसीव ए बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट
4-3 months और हमने 3 महीने 3 महीने का उसी सेम अमाउंट से बिल रिसीवल ले लिया, सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे सारा ट्रांजेक्शन, ठीक है, कि हमने सोल्ड करा ये वो, है ना। तो बताओ स्टॉक कम हो जाएगा ना, 10,000 का स्टॉक कम हो गया और हमने उससे बिल रिसीवल ले लिया, तो एक नया कॉलम बन जाएगा सेल्स में बिल रिसीवल और एक नया हेडिंग यहाँ पे 10,000 रुपये ऐड हो जाएगा बिल रिसीवल में, ठीक है, बराबर। और ये सब सेम रहेंगे। अब ये आ गया ना सेम, इतना ही करना है, स्टॉक कम हमारा बिल रिसीवल आ गया। अगर नगद बेचते तो कैश आता तो कैश में लिख देते, अगर वो चेक देता तो बैंक में लिख देते, अगर वो उधार लेता तो डेटर में ही जोड़ देते, लेकिन वो हमें बिल रिसीवल दे रहा है तो इसलिए नया कॉलम बना देंगे बिल रिसीवल, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन और सातवां हेडिंग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि रिसीव रुपीज 10,000 फ्रॉम गुप्ता, गुप्ता से 10,000 रुपये में रिसीव हुए हैं अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन द मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी डेट 3 महीने बाद हम गए ना उससे पैसे लेने, वो 10,000 रुपये में रिसीव हो गए तो हमारे पास कैश आ गया होगा यानी, है ना। तो यहाँ पर पहले न्यू क्वेश्चन लिख दो, 10,000 रुपये हमारे पास अभी रिसीव हो गए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर 7 ट्रांजेक्शन बिल रिसीव, है ना। तो 10,000 रुपये आ गया और 10,000 रुपये का बिल रिसीवेबल ये ख़त्म हो गया, जो 10,000 का था बिल ये क्या हो गया, माइनस हो गया क्योंकि इससे रिसीव हो गया, तो ये बिल अब रहा नहीं ख़त्म, तो इसे माइनस कर दो बस। और अब ये आंसर आ गया, तो ये मैं भूल गया था, पहले न्यू क्वेश्चन निकालने के बाद ट्रांजेक्शन करना चाहिए। लायबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं, हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई किताबों में ऐसे लिखा रहता है, समझ गए। तो आखिरी के ट्रांजेक्शन समझ में आ गई ना, हमें उससे रिसीव हो गए तो 10,000 रुपये में हमारे पास कैश आ गए, ऐड कर दो और ये सारा सेम रहेगा। और क्योंकि उससे बिल रिसीवेबल प्राप्त हो गया तो बिल रिसीवेबल अब असेट्स रहा नहीं, असेट्स घटा दो, ठीक है, तो इसी में से 10,000 घटा दो बस ख़त्म, ठीक है। अगर अब चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो अब हम ये कर सकते हैं कि इन सब को जोड़ लेंगे तो इन सब का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं। चलो मैं जोड़ के दिखाता हूँ, 1,00,000 और एक लाख और ये 30,000 जोड़ेंगे, 1,20,000, 20 में 90 जोड़ेंगे, 2,10,000, 2,10,000 में 50 जोड़ेंगे, 2,60,000, 2,60,000 में फिर 10 जोड़ेंगे, 2,70,000, 2,70,000 में 11 जोड़ेंगे, 2,81,000 और अब ये जोड़ना है 61,000, 3,42,000। तो ये ये भी क्या है, 3,40,000 आ गया ना। पेपर में कई बार क्या होगा, तुम्हें कहेगा कि बैलेंस शीट बनाओ, क्या बोल देगा, बैलेंस शीट। तो अगर आपको कभी बैलेंस शीट बनाना पड़ जाए तो आपको याद करना है कि इस साइड लिखते हैं लायबिलिटीज, फिर रुपीस, फिर एक कॉलम बनता है असेट्स और फिर रुपीस, ठीक है। एक लायबिलिटी रुपीस, असेट्स रुपीस। लायबिलिटी में फिर क्या लिखोगे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं लायबिलिटी, सिर्फ कैपिटल है, तो सिर्फ यहाँ क्या लिख देना है, 3,42,000। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, कैश, तो यहाँ पे लिख दो कैश 61,000, बैंक 1,00,000, है ना, स्टॉक 30,000, मशीन 90,000, फर्नीचर और डेटर, बिल रिसीवेबल तो अब रहा नहीं तो इसको छोड़ दो, तो इनका भी टोटल और इसका टोटल, दोनों का टोटल 3,42,000 ऐसे करके लिख दो, 3,42,000 लिख दो और नीचे नीचे दो डंडा, ऊपर एक डंडा लगा दो, तो इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, समझ आ गया, ऐसे बनाया जाता है।